प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद ताड़ साहब को, जो कि जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे खास पकड़ और गहरी नजर रखते हैं। और ये बात करेंगे ना सिर्फ हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन लोन लेने के लिए बेच दिए हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं कसूर उनका करूंगा जिन्होंने जेल को मैरियट बनाया है, जो जेल के अंदर रोजाना एक दरबार लगता है, जो जेल से इकोनॉमिस्ट को जो आर्टिकल लिखता है और जो इजाजत देते हैं, मैं उनको ब्लेम करूंगा। जिन्होंने अभी तक 9 मई के खिलाफ फैसले नहीं किए, जिन्होंने इन लोगों के अभी तक शिनाख्ती कार्ड, नाई काप और इनके पासपोर्ट अभी तक जिन्होंने सस्पेंड नहीं किए, उनका कसूर है, इनका कसूर नहीं। ताड़ साहब, इनके कर देने चाहिए पासपोर्ट, ऐसे तो नहीं करना चाहिए सख्त, इतना एक्शन तो नहीं लेना। जो एंटी स्टेट होगा और वो अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट, मुझे मैं छोटी सी मिसाल दूंगा चीमा साहब, इंडिया ने मिसाल देना चाहूंगा, मैं चीमा साहब अमेरिकन सिटीजन, मैं एंटी स्टेट यहां काम करूंगा, आपका क्या ख्याल है अमेरिका मुझे इजाजत देगा? 6 जनवरी पे जो लोग आए थे, क्या ख्याल है उनको 18 साल की सजाएं नहीं दी गई? यहां पे मिलिट्री ट्रायल नहीं हुआ उनका, लेकिन सिविलियन कोर्ट्स ने 18 साल की सजाएं दी हैं 6 जनवरी वालों। तो वहां पे जो कोर कमांडर के घर के अंदर घुस के, जिन्होंने कोर कमांडर की पतलून लेकर बाहर लोगों में मजाक उड़ाया था, आपका क्या ख्याल है उनका आखिरी मरना? वो कोर कमांडर कौन था? वो लाहौर का कोर कमांडर था, जो उस वक्त कमांड कर रहा था ऐसी फौज को जो इंडिया के साथ खड़ी थी। आपका क्या ख्याल है उनको सजाएं नहीं होनी चाहिए? तो सजाएं क्यों नहीं दी जा रही? यहां पे जो ट्रीजन का मुर्तकब होता है, उसका शिनाख्ती कार्ड है, उसका नाई काप क्यों नहीं सस्पेंड होना चाहिए? आप मुझे ये बता, मैं मुझे बात खत्म कर लेता। पन्नू साहब के साथ जिन्होंने यहां सपोर्ट किया है, उनकी जायदादें भारत में जब्त कर ली गई हैं चीमा साहब। यस, यही बात करने लगा। तो चीमा साहब, अगर भारत अपनी रेट ऑफ स्टेट, अपनी रेट ऑफ जो स्टेट है उसको करने के लिए जायदादें जब्त कर सकता है, आप शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी सस्पेंड नहीं करना चाहते हैं? तो फिर इसका इस तरह करें, छोड़ देंगे स्टेट, इस तरह नहीं चलेगी। और जिस तरह यहां किसी ने कहा था, यहीं से वो एक यहाँ पे एक नुमाइंदा है जो बैठा है, जिसने कहा था खाजा नहीं है तो सियालकोट इंडिया को दे दें, तो फिर दे दें सियालकोट इंडिया को, वो तो यही चाहते हैं। वो तो यही, आज जो IMF के सामने खड़े होकर नारे लगा रहे हैं आपके आर्मी चीफ का नाम ले लेके, वो क्या चाहते हैं? उनसे पूछना चाहिए ना, क्या चाहते हो तुम? चीमा साहब, मैंने बड़ी तफसील के साथ मैंने आपके इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है, उन्होंने बड़ा भरपूर जवाब दिया है उमर अयूब की सारी स्टेटमेंटों का, और बिलखसूस उन्होंने एक जर्नलिस्ट के साथ बड़ी तफसील से बात करके उन्होंने बताया है कि अगर हमें करप्ट होता तो इमरान खान PTI 16 सीटें जीतती, जब इमरान खान उस वक्त हमजा शबाज था तो 7 सीटें जीती थी, इमरान खान ने हर जगह से अपना नाम दिया था, जीतते वो। फिर उन्होंने कहा अगर करप्शन होती तो मियां नवाज शरीफ नंसारा से अपनी सीट हारते, जवाब दिया। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इमरान खान साहब के साथ मेरे रिलेशनशिप खराब हुए, उन्होंने बताया मुर्शिद पाक ये क्या करते थे अपने दौर के अंदर, उन्होंने बताया कि आजम खान के साथ मेरी कन्वर्सेशन क्या थी, बताया। लिख लिया कि दर हकीकत चीमा साहब जिस तरह स्टेट को चलाने वाले चला रहे हैं, स्टेटें चलती थी, आप फैसला कर लें, आपने इनके साथ आपने 9 मई के लोगों को अगर सजाएं देनी है या नहीं देनी, आपने इनके सामने लेटना है या आपने पाकिस्तान चलाना है, ये फैसला आपने करना होगा। चीमा साहब, आज मैं बल्कि बिलखसूस ये जो मीटिंग है अमेरिका है, तो ये अगले लेवल पे जा चुकी है। अब मैं बताना चाहूंगा, इसलिए मेरी स्टेटमेंट नहीं है या मेरा अपनी सिर्फ अकेले की ऑब्जर्वेशन नहीं है। चीमा साहब, BBC ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है, जिसके अंदर 2-3 लोगों के हवाले दिए गए हैं, एक खासकर हुसैन हकानी साहब का हवाला उन्होंने दिया कि उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है। उनकी ऑब्जर्वेशन भी यही है कि ये PTI का फैसला जो है, PTI की लॉबी डॉलर जो है, ये मेरी बात नहीं है, हुसैन हकानी साहब। उसके बाद विल्सन सेंटर के माइकल केंगलमैन जो है, उनकी स्टेटमेंट है 20 मार्च की जो हियरिंग हो रही है, जिसके अंदर डेविड लू को बुलाया जा रहा है, वो उन्होंने भी कहा है कि PTI का डॉलर, ये लॉबी डॉलर।
फिर जुल्फी बुखारी साहब ने साथ उसको काउंट उसने साथ सेकंड किया। उन्होंने कहा हमने जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने पीटीआई का जो केस जो रखने की कोशिश की है ये उसकी कामयाबी है। तो फिर चीमा साहब मैं जख्मी पाकिस्तानी हूं, काश यही लोग पाकिस्तान के केस के लिए खड़े होते, काश यही लोग कभी पाकिस्तान के करप्शन के लिए, काश यही लोग कभी पाकिस्तान के साथ होने वाली ज्यादतियां उसके लिए खड़े होते। लेकिन ये एक एक सियासी, ये एक मजहबी कल्ट के लिए खड़े हैं, कहते खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो फिर आज जो पाकिस्तान को चलाने वाली या पाकिस्तान को बचाने वाली कुवतें हैं वो आज किधर है चीमा साहब? ये मेरा क्वेश्चन है, आज ये उनसे मेरा क्वेश्चन है कि भाई आप क्या चाहते हैं। दुख वाली बात है चीमा साहब, मैं आज मजीद मुझे तकलीफ हुई है ये सारी चीजें सुन के, वो आर्टिकल पढ़ के जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपना एटम बम भेज दिया है, ये भेज दिया। तो ये मैं हालांकि मैं खुद इस चीज के पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाकेद हूं इन चीजों का, करप्शन का और दूसरी चीजों का, लेकिन ये चीजें दिस इज माय रेड लाइन चीमा साहब, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान और बिलखसूस वॉशिंगटन डीसी। मैं आपके साथ बैठ के पाकिस्तान की लॉटरी धो लूं तो अलग बात है, लेकिन मैं कभी भी चीमा साहब किसी थर्ड पार्टी के सामने बैठ के, व्हाइट हाउस के सामने बैठ के एंटी पाकिस्तान बात करें। सर साहब एक बात बताएं, मोहित पीरजादा साहब एक सहाफी हैं, वो भी खड़े हैं, उन्होंने अपने एक शो में ये कहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से कोई बात ना करे, भारत पाकिस्तान के साथ कोई अमन मुआहदा, कोई डील भारत पाकिस्तानी हुकूमत से ना करे, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो हुकूमत है ये इसमें इमरान खान नहीं है। तार साहब ये लोगों को इतनी अहमियत देनी चाहिए हमें? आपने कहा कि इनके नायकॉप और इनके कार्ड और पासपोर्ट जो है वो कैंसिल होने चाहिए, कि जो लोग इस तरह की बातें करें, भारत के साथ हमारा क्या मसला है वो नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ या भारतीय सरकार या पाकिस्तानी सरकार बाद में देख लेंगे, लेकिन आईएमएफ के सामने जाते हैं, पैसे ना दो, इंडिया को कहते हैं कि पाकिस्तान से बात ना करो, एक यूरोपियन यूनियन पे ट्राई कर रहे हैं उनको भी, जी उनको भी कहते हैं कि इनको जीएसपी प्लस स्टेटस लें इनसे। और मैं आपको तार साहब, मैं बहुत सारी चीजों का वुमन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है तो मुझे भी थोड़ा एहसास है कि ये उनको बहुत सारी जाकर चीजें पीटीआई वाले बताते रहे हैं। तार साहब ये इससे क्या मिलेगा, ये बात अगर कहेंगे के जी भारत पाकिस्तान से बात ना करे, मोहित पीर नरेंद्र मोदी मोहित पीर ज्यादा की सुनेगा ये, यहाँ के क्या आप समझते हैं चीमा साहब? मोहित पीर ज्यादा साहब ये वही साहब हैं, सबसे पहले तो मैं बताना ही चाहूंगा कि इन्होंने ये पिछले दिनों में इन्होंने एंटी सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि मेरे बाप को पाकिस्तान में रहने नहीं चाहिए था, डाउ मेडिसिन का करने के बाद एमबीबीएस करके उन्हें 1950s में कहीं चले जाना चाहिए था। तो बल्कि एक और बात है कि डॉक्टर साहब खुद पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, वो आ चुके हैं बाहर। दूसरा इनके ऊपर एलिगेशन, मैं वो क्या उसका बात बताऊं स्टोरी, डॉक्टर साहब के अपने मिडल ईस्ट के अंदर इनके वाले साहब बीमार थे और जो हॉस्पिटल की स्टोरी मौजूद है अगर देखा जाए तो फिर उसके बारे में बात क्या करनी मैंने। लेकिन चीमा साहब जो मुझे अफसोस है कि आप जो बात कर लें लेकिन एंटी स्टेट पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के सिस्टम को क्रिटिसाइज कर लें, पाकिस्तान के गवर्नेंस को क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन जो एंटी स्टेट खासकर एटॉमिक एसेट्स के ऊपर बात ये करना और फिर गलत अफवाह उड़ानी, गलत अफवाह, ये एक ज्यादती है। और मैं समझता हूं बिलखसूस मैं पहले भी इस हक में नहीं था चीमा साहब कि ये जो टाइम स्क्वायर पे जाके खड़ा होकर न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट एंटी पाकिस्तान नारे लगाने पे और फिर जाके आइए मैं ये एंटी पाकिस्तान नारे लगा रहे हैं, वो गलत बात चीमा साहब, गलत बात देखिए। और तीसरा इनको यही नहीं पता कि आईएमएफ डजंट वर्क लाइक इट, ऐसे काम वो नहीं करते। और मैं डॉक्टर साहब की अपनी इंफॉर्मेशन, इनको ये नहीं पता चीमा साहब लद्दाख में इस वक्त 50,000 फौज खड़ी है इंडिया की और चाइना की, इग्नी 5 का तजर्बा हो चुका है, चाइना ने लाइव एमिनेशन चलाया दूसरी साइड पे, दूसरा कराकरम रीजन के अंदर उन्होंने लाइव एमिनेशन चलाया, फिर उनका फॉरेन ऑफिस ने शिकायत की है जो नई टनल का अफ्तताह मोदी साहब ने किया है, लेकिन ट्रेड चल रहा है आपस में। डॉक्टर मोहित यूसुफ को यह नहीं पता इस वक्त स्टेट इंटरेस्ट आपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले, मसाइल भी साथ चल रहे होते हैं लेकिन अपने इंटरेस्ट बेस अपने डिसीजन ले रहे होते हैं, डॉक्टर साहब को ये नहीं पता चले। लेकिन चीमा साहब मैं इस पे जितना भी दुख हो का इजहार करूं कम है,
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह साजिद टाडा साहब के एनालिसिस और उनके व्यूज आपको काफी पसंद आएंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे साजिद टाडा साहब ने ना सिर्फ हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बात की बल्कि पाकिस्तान के हालात भी आपको अच्छे से बताए कि पाकिस्तान इस टाइम कर्जे में ऐसे फंस चुका है कि उसको अपने न्यूक्लियर वेपन भी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और दूसरी ओर भारत ने खालिस्तानियों पे भी शिकंजा कस दिया है और खालिस्तानियों की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर दिया, यानी प्रॉपर्टियों को सीज कर दिया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।